नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सौहार्दम प्रकृति शोभा, परस्पर सद्भाव ही प्रकृति की शोभा है, अच्छी स्वभाव से ही प्रकृति की शोभा है। तो भाग 13 है, लेसन नंबर 7। दोस्तों देखिए, ददाति प्रति गृहणाति, भूयम आख्याति प्रच्छति, भुंक्ते योजयेति चैव सर्वविधं प्रीति लक्षणम्। प्रेम के लक्षण 6 प्रकार के बताए गए हैं। पहला शब्द है ददाति। ददाति में दा धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। ददाति मीन्स जो देता है। नेक्स्ट है प्रतिग्रहणाति। प्रतिग्रहणाति, प्रति उपसर्ग है, गृह धातु है, वही लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। प्रतिग्रहणाति का मतलब होता है जो ग्रहण करता है, जो देता है, ग्रहण करता है। गुह्यम आख्याति, गुह्यम आख्याति, गुह्यम का मतलब रहस्य को, आख्याति मीन्स प्रकट करता है, रहस्य को बताता है। और प्रच्छति और पूछता है। प्रच्छति में भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है और गुह्यम आख्याति इसमें भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। तो दोस्तों देखिए, जो देता है, ग्रहण करता है, रहस्य को प्रकट करता है, पूछता है, भुंकते खाता है, योजयते जोड़ता है, और अब यहां पर चैव लिखा हुआ है, इसमें वृद्धि संधि है, चे धन एव, यहां पर वृद्धि संधि है, चे एव, तो चे को योजयते से पहले जोड़ेंगे, और योजयते जोड़ता है, एव ही, एव मीन्स ही, षड्विधम 6 प्रकार के प्रीति लक्षणम, प्रेम के लक्षण है, प्रेम के लक्षण, प्रीति लक्षणम प्रेम के लक्षण है। तो दोबारा से देखिए दोस्तों, ददाति जो देता है, प्रतिग्रहणाति ग्रहण करता है, प्रतिग्रहणाति ग्रहण करता है, गुह्यम आख्याति रहस्य को प्रकट करता है, प्रच्छति पूछता है, भुंकते खाता है, और योजयते एव और जोड़ता है। षड्विधम प्रीति लक्षणम, 6 प्रकार के प्रेम के लक्षण होते हैं, 6 प्रकार के प्रेम के लक्षण होते हैं। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सर्वे प्राणी ने संवेद स्वरेण, सभी प्राणी, संवेद स्वरेण का मतलब होता है समान स्वर के साथ, तृतीया विभक्ति एक वचन, सभी प्राणी समान स्वर से, माता कथयति तु भवति सर्वथा सम्यक, माता भवति आप सर्वथा हमेशा सम्यक ठीक कथयति कहती हो, माता हमेशा आप ठीक ही कहती हो। तो यहां पर जो कथयति है, ये कर्तृपद है, कर्तृपद मीन्स करता है, और सॉरी कथयति क्रियापद है, कथयति क्रियापद है, और कर्तृपद होगा भवति। कथयति में कथ धातु है, कथ धातु, कथ मीन्स कहना, और जो भवति है ये करता है, भवति भवत्यो भवते, भवत शब्द स्त्रीलिंग, भवत शब्द स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति एकवचन, तो ये करता है और ये क्रियापद है। तो आप तो हमेशा ठीक कहती हैं, आप तो हमेशा ठीक कहती हैं, परम लेकिन वयम भवतीं न जानीमः है, लेकिन हम आपको, भवतीं मीन्स आपको, द्वितीय विभक्ति एकवचन, कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह होता है को, लेकिन हम आपको न जानी में, नहीं जानते हैं। तो यहां पर जानी में है उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, ज्ञा धातु है, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, ज्ञा धातु है, लट लकार है, जानी में है, इसका कर्ता होगा वयम, वयम मीन्स हम, देखिए वयम, लेकिन हम आपको नहीं जानते हैं, क्रियापद है, और वयम कर्तृपद है, और भवति कर्ता है। भवत्याः, भवत्या परिचय के, आपका परिचय है क्या है, भवत्या आपका, षष्ठी विभक्ति एकवचन, आपका परिचय है क्या। नेक्स्ट देखिए, प्रकृति माता कह रही है, अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशां जननी, अहम मैं प्रकृति तुम्हारी सबकी माता हूं, जननी मीन्स माता, जननी का पर्यायवाची देखेंगे तो क्या होगा, माता या अम्बा, मैं प्रकृति तुम्हारी सबकी माता हूं, यूयम सर्वे एव, तुम सब
तुम सब ही मे प्रिया मुझे प्रिय हो। सर्वेषाम एव मत कृते महत्वम विद्यते। सबका ही मत करते मेरे लिए महत्वम विद्यते, महत्व है। सबका ही मेरे लिए महत्व है। यथा समयम में समास है, अव्ययीभाव समास। इसका विग्रह करेंगे तो समयम अनतिक्रम्य, यथा के स्थान पर हम लिखेंगे अनतिक्रम्य, तो समयम अनतिक्रम्य इसका विच्छेद होगा। तो समय के अनुसार सबका ही मेरे लिए महत्व है। यथा समय सबका ही मेरे लिए महत्व है। मैं तावत कलहीन समयम वृथा यापयन्तु। कलहीन कलह से समयम समय को व्यर्थ में न यापयन्तु, नहीं बिताओ। कलह से समय को व्यर्थ में न यापयन्तु, मत बिताओ। अपितु मिलित्वा एव मोदध्वम्, अपितु मिलकर के ही मोदध्वम् प्रसन्न रहो, और जीवनम रसमयम कुरुध्वम्, और जीवन को रसमय करो। रसमयम इसका विलोम शब्द होगा नीरसमयम। तद्यता जैसे कथितम कहा गया है, तो यहां पर मिलित्वा है, इसमें मिल धातु है और कत्वा प्रत्यय है, एव यहां पर अव्यय है, एव यहां पर अव्यय है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट श्लोक है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञे प्रजानां च हिते हितम्, न आत्म प्रियम हितम् राज्ञे प्रजानां तु प्रियम हितम्। प्रजा सुखे, प्रजा के सुख में राज्ञे सुखम्, राजा का सुख होता है। राज्ञे में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो प्रजा के सुख में राज्ञे सुखम्, राजा का सुख होता है। और प्रजानाम हिते, प्रजा के हित में राज्ञे हितम्, राजा का हित होता है। हित मीन्स कल्याण, भला, अच्छा। ने आत्म प्रियम अपने स्वयं का प्रिय न हो, राज्ञे हितम् राजा का कल्याण हो। प्रजानाम तु प्रियम, प्रजा का तो प्रिय ही राजा के लिए हितम्, हितकारी होता है, राजा के लिए हितकारी होता है। तो दोस्तों अब देखते हैं हम गुह्यम आख्याति, इसका पर्यायवाची रहस्यम वदति। गुह्यम मीन्स रहस्य को, आख्याति मीन्स प्रकट करना, और रहस्यम वदति रहस्य को बोलना। तो यहां पर रहस्यम वदति के स्थान पर रहस्यम प्रकटयति भी लिख सकते हैं, रहस्यम प्रकटम करोति भी लिख सकते हैं। मोदध्वम प्रसन्ना भवत, प्रसन्न हो। ये मोदध्वम मध्यम पुरुष बहुवचन है और आत्मनेपद की धातु है, मुद धातु, और यहां पर हम परस्मैपद पद की धातु लिख रहे हैं, भवत है, प्रसन्ना भवत, प्रसन्न हो। जननी का पर्यायवाची माता अम्बा। भुंक्ते खादति रसमयम नीरसम, सुखम दुखम हितम अहितम, और नीचे दिए स्नेहहीन, इसका विलोम शब्द होगा कलहीन। अब क्वेश्चन है, कति विधम प्रीति लक्षणम, कति विधम कितने प्रकार के प्रेम के लक्षण होते हैं, तो कति के स्थान पर हम लिखेंगे सद विधम प्रीति लक्षणम, छह प्रकार के प्रेम के लक्षण होते हैं। केन समयम वृथा न यापयन्तु, किसके द्वारा समय व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए, किससे समय व्यर्थ न बिताए, किससे। तो देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि कलहीन समयम वृथा यापयन्तु न, कले से समय व्यर्थ में न यापयन्तु, न बिताए। तो यहां पर आंसर लिखेंगे हम कलहीन, केन के स्थान पर हम आंसर लिखेंगे कलहीन, कले से समय को व्यर्थ में नहीं बिताए। प्रजानाम हिते कस्य हितम् भवति, प्रजा के हित में किसका हित होता है, तो प्रजा के हित में किसका हित होता है, देखिए दोस्तों राज्ञे, राजा के हित होता है। प्रजा के हित में किसका हित होता है, राजा का। तो कस्य के स्थान पर राजन शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन होगा, राज्ञे, राज्ञे मीन्स राजा का।
राजा का हित होता है, प्रजा के हित में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्र कस्में राजे सुखम भवति, किसमें राजा का सुख होता है, किसमें राजा का सुख होता है। तो देखिए दोस्तों, दोबारा देखो, प्रजा के सुख में राजा का सुख होता है, प्रजा के सुख में राजा का सुख होता है। तो यहां पर लिखेंगे कस्मिन के स्थान पर प्रजा सुखी, प्रजा के सुख में राज्य सुखम भवति। तो ये आंसर लिखेंगे हम डैश लगा करके, ऐसे डैश लगा करके लिखेंगे, प्रजा सुखे राज्य सुखम भवति, प्रजा के सुख में राजा का सुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेषां जननी प्रकृति किम कथयति, सबकी माता प्रकृति क्या कहती है, सबकी माता प्रकृति क्या कहती है। तो देखिए दोस्तों, क्या कहती है सबकी माता प्रकृति, यहां पर प्रकृति माता क्या कह रही है, अहम प्रकृति युष्मातम सर्वेषां जननी, ये तो हो गया कि मैं प्रकृति तुम्हारी सबकी जननी हूं, यूयम सर्वे एव मे प्रिया, तुम सभी मेरे प्रिय हो, सर्वेषां एव मत कृते महत्व विद्यते यथा समयम, भाई सबका ही मेरे लिए महत्व है यथा समय, नय कलहिन समय मृथा यापयन्तु, और कलह से समय व्यर्थ में नहीं बिताए, अभी तो मिलित्वा ये मोदत्वम जीवनम से रसमयम कुरुत्वम, मिल करके प्रसन्न रहो और जीवन को रसमय करो, इस प्रकार से कहती है प्रकृति माता। नेक्स्ट, प्रीति लक्षणे षट तत्वानि कानि सन्ति, प्रेम के लक्षण छह तत्व कौन कौन से हैं, छह तत्व ये हैं, ददाति प्रतिगृहणाति गोयम आख्याति पृच्छति भुंक्ते योजयते च सर्वविदं प्रीति लक्षणम। तो ये पूरा श्लोक हम इसका आंसर लिख देंगे, प्रीति लक्षणे षट तत्वानि कानि सन्ति, तो इसमें पूरा श्लोक हम लिखेंगे तो इसका आंसर स्पष्ट हो जाएगा। सर्वेषां जननी का अस्ति, सबकी जननी कौन है, का अस्ति कौन है, तो का के स्थान पर हम लिखेंगे प्रकृति माता, का के स्थान पर हम लिखेंगे प्रकृति माता। अब नेक्स्ट देखिए कि इसमें अव्यय कहां कहां है और प्रत्यय कहां है, विलोम शब्द हो गए, ददाति प्रतिगृहणाति भूयम आख्याति पृच्छति भुंक्ते योजयति च सर्वविदं प्रीति लक्षणम, यहां पर च और एव ये दोनों अव्यय हैं, ये दोनों अव्यय हैं, यहां पर तू अव्यय है, तू का पर्यायवाची हम लिख सकते हैं तरही, तू का पर्यायवाची तरही लिख सकते हैं, तरही मीन्स तो, और भवती, भवती का पर्यायवाची हम लिखेंगे, सॉरी विलोम शब्द, भवती का विलोम शब्द लिखेंगे भवान, भवान। सर्वथा सम्यक परम, ये भी अव्यय है, ने अव्यय है, और नेक्स्ट एव अव्यय है, अपितु अव्यय है, से अव्यय है, और नेक्स्ट जैसे अभी तो मिलित्वा ये मोदध्वम जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, यहां पर क्री धातु है, यहां पर मुद धातु है, मिलित्वा मिल धातु है, कत्वा प्रत्यय है, यापियंतु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, क्या कह रहे हैं कि कलहिन समय वृथा न यापयन्तु, कले से समय को व्यर्थ में न बिताएं, किसको कह रही है प्रकृति माता, प्राणियों को कह रही है, तो यहां पर प्राणी न है, ये कर्तृपद हो जाएगा, कर्ता पद हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।